नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल राणा वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार की नई नई खबरें। दोस्तों आज हमने अपने पूरे 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हमें सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए NFL ने जो वैकेंसीज निकाली थी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसका सिलेबस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कल ही इसकी लास्ट डेट खत्म हुई है फॉर्म फिल करने की, तो आज मैं आपके लिए सिलेबस का ये वीडियो बना कर लाया हूं। मुझे कुछ लोगों कमेंट्स और मेल मिल रही थी सिलेबस वगैरह और एग्जाम पैटर्न जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उनका, उसके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अगर आपको आए पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो ऊपर दोस्तों आई बटन में वैकेंसीज फ्लैश हो रही हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट डेट अभी नहीं निकली है। हो सकता है आपके काम की हो, आपके किसी फ्रेंड के काम की हो, किसी रिलेटिव के काम की हो, तो इन्हें भी देख के आप शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब इनके सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू डाल लेते हैं इन वैकेंसीज के बारे में जो कि NFL ने निकाली थी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की। टोटल वैकेंसी थी 40 और कल ही इसका लास्ट डेट खत्म हुआ है, और ये नेक्स्ट मंथ में इनका जो है एग्जाम शेड्यूल्ड है, मे भी चेंज हो जाए, बट इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो नेक्स्ट मंथ में मई 2019 में शेड्यूल किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों इनका एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगी उसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और जॉब लोकेशन इसकी ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें इन वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो मेरिट बनेगी उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा, और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज और इन्होंने यह मेंशन की हुई है, अगर दो लोगों के सेम मार्क्स सिक्योर करते हैं वो CBT में, सपोज किसी दोनों के 50-50 मार्क्स आ गए, तो उसमें जिनके BSc में ज्यादा परसेंटेज है उसको वो प्रीफर करेंगे, जिसकी कम है उसको हटा देंगे। तो इसके लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ था, इन केस टू और मोर कैंडिडेट स्कोर्स इक्वल मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज BSc एग्रीकल्चर वुड बी कंसिडर्ड फॉर ड्रॉइंग अप द मेरिट लिस्ट। तो जिसके BSc AG में ज्यादा होंगे, अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तब, तो जिसके BSc AG में ज्यादा है उन्हें वरीयता दी जाएगी मेरिट लिस्ट में। और तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था CBT होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको सीधा पोस्टिंग मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स दोस्तों इन्होंने मेंशन किए हुए थे ऑलरेडी, J&K, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली NCR में, कहीं भी लखनऊ NCR में दोस्तों, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये सभी आता है, लखनऊ, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, कुरनूल, भुवनेश्वर, राउरकेला, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, कोयम्बटूर, ऑल ओवर इंडिया इनके सेंटर्स होंगे एग्जाम के लिए। तो अब पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये टोटल जो है आपका ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जो कि इसमें BSc जो आपने AG में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड, और दूसरा जो जनरल एग्जाम सभी के लिए होता है। तो इसमें दो सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, BSc AG से आपके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि 100 होंगे और टोटल 100 मार्क्स के होंगे, और जो कि सेक्शन बी जिसमें हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि नॉर्मली आता है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा और 50 ही क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ड्यूरेशन जो है आपको इसमें 2 घंटे का मिलेगा। तो इसमें सिलेबस बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके सेक्शन 1 जो कि एग्रीकल्चर का है, एग्रोनॉमी, क्रॉप प्रोडक्शन, फील्ड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, ये सब आप देख लीजिएगा, इटोमोलॉजी, स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, ये सभी जो है इसमें ये सेक्शन ए में कवर होंगे। तो आप इन सभी की तैयारी कीजिए, ऑब्वियसली आपने सारा का सारा BSc में पढ़ा हुआ होगा। और नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जनरल इंग्लिश, इसमें एटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव, सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, पैरा कंप्लीशन, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, सब्स्टिट्यूशन, पैसेज कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंसेस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के। और नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें वॉल्यूम मतलब जो आपका नॉर्मल अंक गणित टाइप होगा, नॉर्मल, ऑड मैन आउट, टाइम एंड वर्कशॉप, वर्क पार्टनरशिप, क्वाड्रिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इक्वेशंस, प्रॉब्लम और नंबर्स, एवरेजेस, इंडिस एंड सर्ट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम एंड ट्रेंस, एरियाज, रेसिस एंड गेम्स, नंबर एंड एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मैंशुरेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, परसेंटेजेस, ये सभी जो है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग। इसमें इन्होंने हमें जो सिलेबस है वो है विजुअल मेमोरी, क्लॉक, सिमिलैरिटीज, शेप्स एंड मिरर, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स, नॉन वर्बल टेस्ट, सेमेंटिक एनालॉजी, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंबॉलिक नंबर एंड क्लासिफिकेशन, एनालिटिक रीजनिंग, लेटर सीरीज, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगरल क्लासिफिकेशन। और दोस्तों सबसे लास्ट में है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। इसमें फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन इकोनॉमी, बजट एंड फाइव ईयर प्लान्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, नेशनल डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, इंडियन कल्चर, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल एब्रिविएशन, जनरल पॉलिसी, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, उससे रिलेटेड होगा न्यू इन्वेंशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दोस्तों सबसे लास्ट में है कंट्रीज एंड कैपिटल। तो ये सारा सिलेबस है दोस्तों, इसका लिंक मैंने जो है अपलोड करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के काम की होगी। आपको अगर अच्छी लगी हो और काम आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।